लव यू भाई, कहाँ से हो भाई, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। लव प्रीत को और सब्सक्राइब कर लिया मेरे भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। और हाँ, वीडियो भी देखना है मेरे भाई, केवल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब तो मैंने आपने किया है, सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों आप लोग वीडियो को देखना, क्योंकि भाई इसमें मोटो व्लॉग और माइलेज टेस्ट, बाइक रिव्यू, अपकमिंग बाइक, इस प्रकार से वीडियो आती है। चलिए मेरे भाई लव कौर, मेरा नाम तो लो मेरे भाई, लव कौर भाई आपका नाम ले लिया मेरे भाई, लव प्रीत कौर, बहुत सुंदर नाम है आपका, बहुत नाइस नाम, बहुत ही अच्छा नाम है भाई, आपका नाम ले लिया मेरे भाई, ठीक है। आगे लिख रहे हैं भाई, अपाची 125 सीसी मार्केट में कब आएगी? भाई अपाची 125 सीसी बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है, वैसा बताया जा रहा है, बाकी दोस्तों चर्चा में चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इंडियन टूलर मार्केट में बताया जा रहा है कि भाई अपाची 125 को उतारा जाएगा। हालांकि अभी कंफर्म कुछ कहा जा नहीं सकता है, लेकिन भाई इतना तो हम कह सकते हैं कि भाई अपाची 125 सीसी का आप लोगों का डिमांड है, तो ज़रूर 125 सीसी में आएगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का डिमांड था कि भाई एक्सट्रीम को 125 सीसी में लॉन्च किया जाए, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रीम 125 सीसी में लॉन्च हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा कैमरामैन है जो कि दिखाते हैं, तो फिलहाल मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग जो जो पूछना है पूछ सकते हो। हेलो भाई, हेलो सोहेल रहमान जी, हेलो बराबर आप कमेंट कर रहे हो सोहेल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुन्ना कुमार बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, मुन्ना कुमार सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। शिवम ठाकुर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे भाई। शुद्ध गरीब भाई, मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया। शुद्ध गरीब भाई आप अमीर बन जाओ, शुद्ध अमीर बन जाओ मेरे भाई आप, क्या ही नाम है यार, क्या सुंदर नाम है यार, नाइस नेम, क्या जबरदस्त नाम है यार शुद्ध भाई, आप शुद्ध गरीब किसे आप शुद्ध अमीर बन जाओ, ठीक है। शुद्ध अमीर भाई मैंने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। सराजन राव हाय, सराजन भाई क्या हाल चाल है, सराजन राव जी क्या हाल चाल है मेरे भाई, हाय भाई R15 ले लो। हाँ भाई R15 लेंगे, अभी फिलहाल मेरे पास तीन बाइक है, एक है एक्सट्रीम 125R, एक है दोस्तों हीरो, यानी एक हीरो की बाइक है एक्सट्रीम 125R, एक है होंडा SP 125, ठीक है। वरुण कुमार बहुत बहुत स्वागत है वरुण भाई, क्या हाल चाल है। बजाज CNG बाइक भाई, बजाज CNG का भी लाइव करेंगे, बहुत जल्द करेंगे दोस्तों, अभी तो हम आए थे हेडलाइट टेस्ट करने के लिए, अभी मैं आप सभी को हेडलाइट टेस्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है। सराजन राव CNG भाई, उसके बाद ये सिंगर बी बंडल कह रहे हैं कि दादा मैं दुर्गापुर से, मैं कौन सा बाइक लूँ, ठीक नहीं कर पा रहा, पल्सर 125 कैसा होगा। भाई पल्सर 125 बेस्ट है, लेकिन भाई पल्सर 125 से मैं बोलूँगा कि भाई SP ले लो, क्योंकि भाई इसमें LED हेडलाइट है, नाइट में आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको रोशनी में मज़ा आएगा SP125 में। देखो इसका रोशनी देखो, और पल्सर 125 का रोशनी देखने के लिए दोस्तों परसों आप लोग रेडी रहना, क्योंकि भाई उसमें आपको हेलोजन लाइट मिलता है, इसमें आपको LED का हेडलाइट मिलता है, जो कि रोशनी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। दादा आपके लिए मैं स्पेशल कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका मैं नाम ले लूँ एक बार फिर से, हमारा गाँव में जाऊँगी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी ब्रो भाई। RTR 164B या पल्सर 160 कौन सी सही है, प्लीज़ रिप्लाई। अभी नौ गौतम जी पूछ रहे हैं कि भाई अपाची RTR 4B या पल्सर 160 कौन सी सही है। पल्सर में क्या है भाई, S है क्या, NS है, या फिर पल्सर में बहुत सारी है। अच्छा, NS 160 के बारे में पूछ रहे हो या फिर N160 के बारे में पूछ रहे हो। दोनों बाइक भाई कड़ाके की टक्कर है, 50-50% दोनों को हम नंबर देंगे, क्योंकि भाई दोनों बाइक में। पल्सर N160 ले लो यार, वो थोड़ी सी नई है, नई स्टाइलिश लुक में आई है, पल्सर N160 मेरे हिसाब से ले लो। अपाची बाइक सही है तो आप लोग ले सकते हैं मेरे भाई। चलो भाई कंटिन्यू हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो। अभी नव गौतम जी मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, पल्सर 150 भी सही है मेरे भाई, लेकिन उसमें आपको LED हेडलाइट नहीं मिलेगा, उससे अच्छा पल्सर 150 की जगह पे अपाची ले लो। मैंने पल्सर 160 के बारे में कहा है, पल्सर 160 के बारे में मैंने कहा है, ठीक है। चलिए अभिनव जी, पल्सर 160 के बारे में मैंने बोला है, अगर आप पल्सर 150 के बारे में आप सोच रहे हैं तो भाई पल्सर 150 तो भाई बहुत चलिए गाइस कंटिन्यू हो जाओ।
चलिए भाई। अच्छा सिंगर भी बंडल जी पूछ रहे हैं एक।